कहते हैं कि भारत में कभी एक ऐसा समय था कि यहाँ के राजा लग्जरी के मामले में अंग्रेजों को भी पछाड़ देते थे। बात हीरे जवाहरात की हो या फिर महंगी गाड़ियों की, भारत के राजा अपनी अमीरी दिखाने में किसी से पीछे नहीं रहे। ऐसे ही एक राजा थे, महाराजा जयसिंह प्रभाकर। अलवर के महाराजा ने लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस को जब अपना गुरूर दिखाया तो वो भी उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने रोल्स रॉयस को घुटनों पर ला दिया था। महाराजा जयसिंह प्रभाकर ने आखिर ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। ये बात है 1920 की, जब महाराजा जयसिंह अपने देश से दूर लंदन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में तो वो सोने से लदे और बड़े काफिलों में घुमा करते थे, लेकिन लंदन में वो एक आम जीवन बिता रहे थे। माना जाता है कि इस कारण ही उन्होंने कोई शाही पोशाक नहीं पहनी और ना ही उनके साथ दर्जनों नौकर थे। वो बस अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए उन्हें एक सड़क किनारे रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया। माना जाता है कि जयसिंह लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। शोरूम में नई रोल्स रॉयस को देखते ही उन्होंने उसे लेने का फैसला कर लिया और बढ़ गए शोरूम की ओर। अपनी पसंदीदा रोल्स रॉयस को लेने के लिए जयसिंह इतने उतावले थे कि उसी वक्त उसे खरीदने की फिराक में दुकान में घुस गए। दुकान में जाते ही उनकी नजर उस गाड़ी पर पड़ी जिसने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। वो उस गाड़ी को निहारने लगे और अब उनके फीचर्स और दाम के बारे में जानने के इच्छुक थे। उन्होंने पास में ही खड़े एक अंग्रेज सेल्समैन से गाड़ी के बारे में पूछा। उस सेल्समैन ने महाराजा जयसिंह को देखा और गुस्से में आ गया, क्योंकि जयसिंह बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में वहां गए थे। सेल्समैन को लगा कि वो कोई गरीब भारतीय है। उस सेल्समैन ने तुरंत ही जयसिंह को गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लगा। कहते हैं कि जयसिंह इस तरह से अपनी बेइज्जती होते हुए भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि शांत खड़े रहे। थोड़ी देर और उस सेल्समैन ने महाराजा की तौहीन की और फिर उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराजा जयसिंह ने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि वो अपने अपमान का बदला अपमान के जरिए ही लेना चाहते थे। वो दुकान से निकल गए और सीधा चल दिए अपने होटल की तरफ। महाराजा जैसे ही होटल पहुंचे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, उन्हें रोल्स रॉयस को सबक सिखाना है। वो एक बार फिर से अपने राजा के रूप में आए। उन्होंने उस शोरूम को खबर पहुंचाई कि अलवर के महाराजा यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही शोरूम के बाहर रेड कार्पेट बिछा दिया गया। उनके आगे हर किसी ने अपना सर झुकाया। उन्होंने आते ही सीधा 7 रोल्स रॉयस का ऑर्डर दे दिया और उसी समय उनका दाम कैश में चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने गाड़ियों को सीधा भारत अपने राजमहल में पहुंचाने के लिए कहा और साथ में उस घमंडी सेल्समैन को भी। शोरूम वाले इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराजा का असली खेल तो अभी बाकी था। गाड़ियां जैसे ही भारत पहुंची, महाराजा ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने सभी गाड़ियों को नगर पालिका को दे दिया और कहा कि आज से शहर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाएगा। पर ये सुनते ही उस सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही ये काम शुरू हुआ, इसकी खबर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। हर कोई ये सुनकर हैरान हो गया कि भला इतनी महंगी गाड़ी कोई कैसे कचरा गाड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। हर सुबह उस लग्जरी गाड़ी को नगर पालिका के लोग कचरे से भरते थे, जिसे देखकर अंग्रेजों के चेहरे का रंग गायब हो जाता था। महाराजा जयसिंह का ये दाव देखकर वो सेल्समैन भी समझ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया। जब यह खबर यूरोप और अमेरिका में पहुंची तो रोल्स रॉयस के ग्राहक इसे सुनकर बहुत दुखी हुए। रोल्स रॉयस के नाम में अब पहले जैसी रईसियत नहीं दिखाई जा सकती थी। हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है उसे कैसे कोई चला सकता है। देखते ही देखते रोल्स रॉयस का मार्केट नीचे गिरने लगा। ग्राहक अब उनकी गाड़ियों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। कंपनी नीचे गिरने लगी। दूसरी ओर महाराजा जयसिंह प्रभाकर इस पूरे नजारे का मजा ले रहे थे। उनका प्लान पूरी तरह से काम कर रहा था। जब रोल्स रॉयस अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो पाई तो उन्होंने अपने घुटने जयसिंह के आगे टेक दिए। कंपनी की तरफ से उन्हें एक पत्र आया जिसमें रोल्स रॉयस ने उनसे माफी मांगी और कहा कि उनकी गाड़ी से कचरा उठाना बंद कर दें। साथ में उन्होंने महाराज को 6 नई रोल्स रॉयस देने का भी वादा किया और वो भी मुफ्त में। महाराजा का काम तो हो चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ कर दिया और गाड़ी से कचरा उठाने का काम बंद करवा दिया। महाराजा जयसिंह ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया
कि इंसान को कभी भी उसके लिबास से नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी भूल के कारण ही रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी को इतने बुरे दिन देखने पड़े। महाराजा जयसिंह प्रभाकर के इस कदम के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।